वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। मैं इंद्रेश आरसी लेके आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। और आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व हरफन मौला खिलाड़ी सुलेमान डिक अब्द का हाल ही में नीदरलैंड में निधन हो गया। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, इराक, ईरान या दक्षिण अफ्रीका। तो बताइए कहाँ के थे ये खिलाड़ी, ये थे दक्षिण अफ्रीका के, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 39% से बढ़कर निम्न में से कितने प्रतिशत हो गई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 76%, 40%, 50% या 54%। तो बताइए कितने परसेंट हो गई है, ये हो गई है 76%, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाली कितनी महिलाओं को सम्मानित किया। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 80, 112, 120 या 125। तो बताइए कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, 112, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किस राज्य सरकार ने बाला साहेब ठाकरे शहीद सम्मान योजना की शुरुआत की है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, झारखंड, पंजाब या महाराष्ट्र। तो बताइए किस राज्य की सरकार ने ये योजना शुरू की है, ये शुरू की है महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु किस पहल को लॉन्च किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, साइबर व्यवस्थित राज्य, साइबर सुरक्षित विश्व, साइबर सुरक्षित भारत या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी पहल को शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने, ये शुरू किया है साइबर सुरक्षित भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत के सम्मिलित हो जाने के बाद अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 25, 35, 40 या 43। तो बताइए कितने मेंबर हो गए हैं अब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में, अब हो गए हैं 43 मेंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का 43rd मेंबर बना है, यानी कि 43वां मेंबर बना है। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में अब हो गए हैं टोटल 43 मेंबर। मानव ठक्कर नवीनतम विश्व टेबल टेनिस रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर या इनमें से कोई नहीं। तो ये पहुंच गए हैं अब दूसरे स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध विश्व के पहले सार्वजनिक रजिस्टर की घोषणा की है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, चीन, ब्रिटेन या रूस। तो बताइए कौन से देश ने ये घोषणा की है, ये की है ब्रिटेन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किस देश ने ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप जीत लिया। चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसने जीता है ये जीता है भारत ने, लगातार दूसरी बार ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीता है भारत ने, लगातार दूसरी बार। और इसमें दूसरी बार में किसको हराया है इंडिया ने, इस बार हराया है पाकिस्तान को, और कितने विकेट से, 2 विकेट से हराया है। आपको ध्यान रहे, आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे अगर आपके 9 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 9/10, अगर आपके 10 क्वेश्चन सही होते हैं आपको लिखना है 10/10, अगर आपके 8 सही होते हैं तो आपको लिखना है 8/10। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हों लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना है। सेक्टम वेल्थ मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में चीन को पछाड़ते हुए कौन सा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, भारत, पाकिस्तान या इराक। तो बताइए कौन सा देश बन जाएगा, ये बनेगा भारत इस मैगजीन के अनुसार। कौन सी मैगजीन के अनुसार, सेक्टम वेल्थ मैगजीन की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत की अर्थव्यवस्था चाइना से तेजी से बढ़ने लगेगी। तो ये थे करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। अब आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर जरूर करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूँ। तो अब दबाओ लाइक, बताओ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को कर दो शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।